उधर बड़ी खबर दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में चल रही भयंकर जंग से जुड़ी हुई। इसराइल की सेना हमास के लादेन की तलाश में खान यूनिस के बीचों बीच पहुंच गई और हमास के ठिकानों को चुन चुन कर बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसराइल की सेना ने एक दिन पहले ही बयान दिया था कि उसने खान यूनिस को चारों तरफ से घेर लिया है और रात भर में उसकी सेना खान यूनिस के बीचों बीच पहुंच गई। इसराइल की सेना ने जानकारी दी कि उसने खान यूनिस में एक स्कूल और उसके आसपास की कई इमारतों को निशाना बनाया और वहां से उसे हमास के हथियारों का भंडार मिला, लेकिन जिसकी तलाश करते करते इसराइल की सेना खान यूनिस के बीचों बीच पहुंच गई वो यहिया सिनवार अब तक इसराइल की सेना की पकड़ से बाहर है, क्योंकि इसराइल की सेना को शक है कि वो जमीन के नीचे छिपा बैठा है। इसलिए इसराइल की सेना यहिया सिनवार को जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह खोज रही है। और खान यूनिस में चल रहे अपने मिलिट्री ऑपरेशन की तस्वीरें जारी कर रही है। इसराइल की सेना ने खान यूनिस के बीचों बीच पहुंचने का वीडियो भी जारी किया, जिसमें हथियारों से लैस इसराइल के सैनिक एक इमारत की ओर बढ़ते दिखे। इसराइल ने जानकारी दी कि उसके सैनिकों के निशाने पर खान यूनिस में हमास की अल कसाम ब्रिगेड की पोस्ट थी, जिसे उन्होंने घेर लिया और एक घर में घुसकर बिना रुके इतनी गोलियां दागी कि गिनना मुश्किल हो जाए। इसराइल की सेना ने इस घर से ही हमास को टारगेट किया। खिड़की पर बंदूक ताने खड़े एक सैनिक ने तो पहले हमास को ललकारा और फिर गोली चला दी। हमास के लादेन यानी यहिया सिनवार को ढूंढ रही इसराइल की सेना ने एक दिन पहले खान यूनिस को चारों तरफ से घेर लिया था और फिर वहां आसमान से हमला किया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद खबरें आने लगी कि इसराइल खान यूनिस में हमास के ठिकानों की तरफ बढ़ रहा, क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा यहिया सिनवार अब तक उसकी पकड़ से बाहर है। और इसीलिए सिनवार की तलाश में इसराइल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके के बीचों बीच पहुंच गए। इसराइल की सेना ने जो वीडियो जारी किया उसमें ऊबड़ खाबड़ इलाकों से गुजरते हुए ये टैंक खंडहर में बदल चुके खान यूनिस शहर के सेंटर में पहुंच गए। इन बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के साथ इसराइल के सैनिक भी दौड़ते हुए खान यूनिस में घुसते नजर आए। हाथों में बंदूकें लेकर हमास के गढ़ में दौड़ते इसराइल के सैनिक बीच बीच में गोलियां चलाते भी दिखे। उन्हें जैसे ही शक होता कि कुछ गड़बड़ है वो फायरिंग कर देते। वीडियो जारी करते हुए इसराइल की सेना ने जानकारी दी कि यह ऑपरेशन इसराइल की सेना की 98 बटालियन ने चलाया और 7 अक्टूबर की इसराइल पर हुए सबसे बड़े हमले के मास्टरमाइंड की खोज में जमीन आसमान एक कर दिया। उसके इस ऑपरेशन की वजह से दक्षिणी गाजा में रहने वाले हजारों लोगों को पलायन तक करना पड़ा, क्योंकि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में जमीनी जंग छिड़ चुकी है। इसराइल की सेना ने जो वीडियो जारी किया वो उसी का छोटा सा ट्रेलर था। इस वीडियो की शुरुआत में इसराइल के सैनिक दबे पांव एक मकान की ओर बढ़ते नजर आए, लेकिन जैसे ही वो मकान के नजदीक पहुंचे गोलियां चलने लगी। फायरिंग के बीच ही इसराइल के सैनिक मकान में दाखिल होते दिखे। हालांकि इस दौरान ये सैनिक चौकन्ने रहे, क्योंकि उन्हें शक था कि हमास के लड़ाके वहां छिपे हैं। इसीलिए वो मकान में घुसते ही उन्हें हथियार डालने की चेतावनी देते सुनाई दिए। हमास के कमांडरों की खोज में ये सैनिक मकान का चप्पा चप्पा छानते दिखे। उन्होंने पहले हर कमरे को खंगाला और फिर मकान की छत पर भी पहुंच गए, क्योंकि सिनवार को खोजते खोजते इसराइल की सेना खान यूनिस के बीच में पहुंच चुकी है और वो वहां का कोई कोना नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उसे विश्वास है कि यहिया सिनवार खान यूनिस के किसी कोने या वहां बनी किसी सुरंग में छिपकर बैठा और उसे ढूंढने में वक्त और ताकत दोनों लगाने हों। इसलिए उसने खान यूनिस में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया और इस दौरान उसने खान यूनिस के एक स्कूल पर भी हमला किया और वहां का ऐसा वीडियो जारी किया जिसे देखकर लगा कि पूरा का पूरा खान यूनिस हथियारों के ढेर पर बैठा है, क्योंकि वीडियो में इसराइल के सैनिक एक के बाद एक कई मिसाइलें कंधे पर उठाकर बाहर लाते दिखे। ये सिलसिला यही नहीं थमा, मिसाइलों के ठीक बगल में जमीन पर ग्रेनेड रखे दिखे, वो भी इक्का दुक्का नहीं बल्कि जमीन पर ग्रेनेड का अंबार रखा नजर आया। इसराइल की सेना का ये कहना है कि हथियारों का एक खजाना खान यूनिस के एक स्कूल में रखा था और उसे इसराइल के सैनिकों ने हमले के बाद कब्जे में ले लिया। और दुनिया को ये बताने के लिए कि खान यूनिस में हमास का गढ़ है, उसने इन हथियारों की तस्वीरें भी जारी कर दी। इसराइल का कहना है कि खान यूनिस में स्कूलों और अस्पतालों समेत कई जगहों पर हमास ने हथियार छिपा रखे। वैसे भी जंग की शुरुआत में ही इसराइल ने दावा किया था कि खान यूनिस हमास के हथियारों का कारखाना है।
और ये वीडियो जारी करके उसने ये बात साबित करने की भी कोशिश की, क्योंकि वीडियो में मिसाइलों के अलावा जमीन पर इतने सारे हथियार पड़े दिखे कि गिनना मुश्किल हो जाए। या यूं कहें कि इतने हथियारों से हमास के लड़ाके कई दिनों तक इसराइल के सामने खड़े रह सकते थे। इसराइल की सेना ने इन हथियारों को जमीन पर रखकर इनका वीडियो बनाया। इसमें सैकड़ों मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर, लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट, ग्रेनेड और ड्रोन नजर आए। यानी इसराइल की सेना की माने तो खान यूनिस के स्कूल और अस्पताल हमास के लिए हथियार रखने की जगह थी, और इसराइल की सेना सिनवार को खोजते खोजते उन्हीं जगहों पर पहुंच गई। इससे हमास का बड़ा नुकसान हुआ और इन बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाने के लिए हमास के लड़ाके पूरी प्लानिंग से मैदान में उतरे। इसका सबूत किसी फिल्म की तरह बनाया गया ये वीडियो है, क्योंकि इसमें हमास ने एक कहानी की तरह बताया कि वो कैसे दक्षिणी गाजा में घुसी इसराइल की बख्तरबंद गाड़ियों को लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेटों से उड़ा रहा है। वीडियो की शुरुआत में सड़क पर खड़ी तीन बख्तरबंद गाड़ियों को हाईलाइट किया गया, उन्हें लाल रंग के निशान के साथ दिखाया गया, और इसके बाद शुरू हुआ इन बख्तरबंद गाड़ियों को जलाकर स्वाहा करने का सिलसिला। क्योंकि वीडियो में दिखाया कि हमास के लड़ाके खंडहर में बदल चुकी एक इमारत में दाखिल हुए, और उसके बाद कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़े एक लड़ाके ने सटीक निशाना साधते हुए रॉकेट दाग दिए। उसके रॉकेट दागते ही एक और कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। हमास ने ये वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि वो इसी तरह इसराइल के कई टैंक उड़ा चुका है और दक्षिणी गाजा में पूरी ताकत से लड़ रहा है, क्योंकि वीडियो में साफ साफ दिखा कि हमास के लड़ाकों के लिए रॉकेट लॉन्चर बड़ा हथियार साबित हो रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें कंधे पर लेकर खान यूनिस की टूटी फूटी इमारतों में आसानी से घुस सकते हैं। और इसी वजह से उन्होंने रॉकेट लॉन्चर के इस्तेमाल से दुश्मन के भारी भरकम टैंकों को उड़ा दिया। हमास की ओर से जारी वीडियो में उसके लड़ाके हाथों में रॉकेट लॉन्चर लेकर खंडहरों में उस जगह पहुंचते दिखे जहां से इसराइल के टैंक उनके सीधे निशाने पर आते। सही जगह पर पहुंचते ही उन्होंने पहले निशाना साधा और फिर रॉकेट छोड़ दिया, जिसके बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ और हमास का दूसरा टारगेट और इसराइल की दूसरी बख्तरबंद गाड़ी उड़ गई। धमाका होने के बाद बख्तरबंद गाड़ी की जगह आग की लपटें नजर आईं और हमास के लड़ाके अल्लाहु अकबर बोलकर जश्न मनाते दिखे। इसराइल का तर्क है कि दक्षिणी गाजा उत्तरी गाजा से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहां हमास के कमांडर और हथियार दोनों हैं और उन्हें खत्म करने के लिए उसे पूरी ताकत झोंकनी होगी। क्योंकि एक दिन पहले ही PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने भी वीडियो जारी करके दावा किया था कि वो दक्षिणी गाजा में हमास के साथ मिलकर लड़ रहा है, और इसका मतलब यह कि इसराइल की चुनौती अब दुगनी हो चुकी है। और अगले ही दिन हमास ने भी इसराइल की सेना से दो दो हाथ करने का वीडियो जारी कर दिया। इस वीडियो के जरिए हमास ने अपनी ताकत का ढोल पीटने का कोई मौका नहीं जाने दिया, क्योंकि वीडियो के हर फ्रेम को देखकर लगा कि हमास के लड़ाके इसराइल को पूरी टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने पहले इमारत के अंदर से हमला किया और फिर सड़क पर आकर रॉकेट दाग दिए। यही नहीं, जैसे ही इसराइल की सेना की गाड़ी उड़ी और आग की लपटें उठने लगी, हमास के एक लड़ाके ने उसे दिखाते हुए तस्वीर भी खिंचवा ली। हमास ने इस वीडियो के जरिए माहौल बनाते हुए ये दिखाने की कोशिश की कि उसके लड़ाके इसराइल से नहीं डरते। वीडियो के एक हिस्से में तो हमास का एक लड़ाका रॉकेट लॉन्चर लेकर खंडहर में ऐसी जगह ढूंढता दिखा जहां से वो इसराइल पर अटैक कर सके, और जब उसे वो जगह मिल गई तो वो वहां बैठ गया और फिर वहां से अटैक कर दिया। हमास ने ये वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि उसने इसराइल की कई बख्तरबंद गाड़ियों को इसी तरह खत्म किया। यानी PIJ मतलब पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के बाद हमास ने भी एक वीडियो के जरिए प्रोपेगेंडा किया।